तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट अनाउंस हो गया है और उस फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिल गया है। तो अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको कॉलेज जो मिला है वह कॉलेज ही नहीं आपको पसंद है तब आपको क्या करना चाहिए। मतलब इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिला है तब आगे आपको क्या करना चाहिए, और मान लो जो कॉलेज आपको मिल गया है तो आपको, और वो कॉलेज मान लो आपको पसंद ही नहीं है और आपको कॉलेज ड्रॉप करना है, किसी और कॉलेज की तरफ जाना है, तब आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल सॉलिड, आप कह सकते हैं जुगाड़ू तरीका मैं आपको बताऊंगा, और ये एक ऐसा मेथड होने वाला है जो आपको कहीं नहीं पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग डे पर ये जुगाड़ू मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो कॉलेज पसंद नहीं है तो फिर भी आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जा पाएंगे, आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आ जाइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इन दोनों टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं। उसके पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक करके हम अपने कॉलेज का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में डालना ताकि हम आपके साथ कम्युनिकेट कर सके और हमें भी पता चल सके कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो दोस्तों, अगर आप और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है तब आपको क्या करना है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कॉलेज मिला है अगर वो पसंद नहीं है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, अगर आपको कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तब आपका पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो गया है कि आगे सेकंड राउंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जाना है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका सपना था पॉलिटेक्निक करने का 2024 में, तो वो सपना अब आपका बिल्कुल पूरा होने वाला है। लेकिन ये सपना तब तक नहीं पूरा होगा जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा, और कॉलेज में एडमिशन होने के पहले दो तीन चीज़ें और आपको करनी है। पहला काम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दूसरा काम आपका फीस सबमिशन का होगा। अगर आपने इन दोनों काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तभी आप समझ कर चलना कि आपका जो पॉलिटेक्निक करने का सपना है वो सपना पूरा हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। लेकिन अगर आप मोटा मोटा मान के चलें कि तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास जेकअप का रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड और सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये 3-4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास 100% होने चाहिए। बाकी लगभग 12-13 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसका एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना के रखा है, आप चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों, दूसरा जो सेक्शन आ जाता है फीस का, फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फीस आपकी 3,250 रुपये लगेगी, बट ट्राई करना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप फीस सबमिट करना, जिससे आपको बहुत एडवांटेज रहने वाला है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि कॉलेज मिल गया है तब आगे आपको क्या करना है। अब आ जाइए हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट है कि मान लो आपको कॉलेज मिला है और जो कॉलेज मिला है वह मुझे पसंद ही नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बताएंगे कि आप काउंसलिंग मतलब जैसे करवा रहे हो, कॉलेज जो फिल कर दिया है उसी को ले लो। मैं कहता हूँ नहीं, अगर आपको वो कॉलेज पसंद ही नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत इतना ज़्यादा तो प्रेशर मुझे नहीं लगता कि होगा कि आपको पॉलिटेक्निक करना ही करना है और कोई आपके पास लास्ट ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल, लेकिन इसी साल हम आपको पॉलिटेक्निक करवाएंगे। कॉलेज पसंद नहीं है तो उसका मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, आपका एक भी रुपये नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है, और कॉलेज भी आपका वो ड्रॉप हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो कॉलेज नहीं पसंद है तो क्या करना है, मतलब सिंपल सा समझ लो, कुछ नहीं करना है। कॉलेज नहीं पसंद है तो कुछ नहीं करना है, आराम से जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज का सीट अलॉटमेंट देख लो, और कॉलेज नहीं पसंद है तो आराम से सो जाओ। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना कि फिर नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चांसेज थोड़ा थोड़ा कम होते जाते हैं कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अगर कॉलेज नहीं पसंद है तो कुछ मत करना, ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ना तो किसी तरीके की कोई फीस सबमिट करना, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया तो फंस गए, फीस सबमिट कर दिया तब भी फंस गए, तो कुछ मत करना मेरे दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ना तो फीस, कोई भी काम आपको नहीं करना है। कॉलेज नहीं पसंद है तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स देखना है। सीट मैट्रिक्स कैसे देखोगे, चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आपको मैंने प्रॉपर बता रखा है कि किसी भी कॉलेज की सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो, उस वीडियो को देख करके सीट मैट्रिक्स चेक कर लेना। और जब भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जिस दिन से, शायद 21 या 22 जुलाई से स्टार्ट होगी, उस दिन के लिए अभी से ही आप कॉलेज की लिस्ट सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बना लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही कॉलेज फिल करना रहेगा, तभी आपका मैक्सिमम चांसेज रहता है कि आपको कॉलेज मिल पाएगा।
अदरवाइज ये हो जाता है कि आपने जो कॉलेज फिल किया उसमें सीटें ही नहीं हैं या सीटें ही एक दो हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कॉम्पिटिशन में फिर से आ जाते हैं और फिर हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में तो आपको कॉलेज मिल गया था बट सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में आपका डिसएडवांटेज बन सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज नहीं मिलना तो कुछ मत करना, कॉलेज पसंद है कॉलेज मिला है नहीं पसंद है तो कुछ मत करना, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए तैयारी कर लेना, किसी भी प्रकार का फीस कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कुछ भी नहीं करवाना है, कॉलेज मिला है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस की तैयारी में लग जाओ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे सभी साथी, और कौन सा कॉलेज आपको मिला है उसका नाम भी आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक करके हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं।